भाचा ब्रश नहीं करे तो तुम कैसे लगा अते मिर्चा ला खाए पर निकाल रहे से यार कुछ नहीं है मामा चलते आजकल वहाँ जाग ब्रश कर लूँगा हाँ वहाँ जाग कर ले वो ना गा वहाँ जाग ब्रश घस ले वो कोई दिक्कत नहीं हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं और मैं अभी भी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि पैकिंग कर रहा था कपड़ों की और बहुत सारी पैकिंग अभी भी बची हुए हैं। मम्मी पापा और मैं कल स्पेशली सीहोर जा रहे हैं और ट्रेन का ट्रिप है। कल शाम 5:30 बजे की हमारी ट्रेन है दुर्ग से, जो कि दुर्ग से भोपाल तक जाती है अमरकंटक एक्सप्रेस, उसी में जाना है हम लोगों को। 13 लोग जा रहे हैं, बुआ है, फूफा जी हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा लोग करके 13 लोग हो रहे हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये मेरे सारे कपड़े हैं, मैं 2 टी-शर्ट और 3 जीन्स पकड़ रहा हूँ, 2 शर्ट पकड़ रहा हूँ, 1 शर्ट उधर है तो इसी बैग में पकड़ना है, छोटा सा बैग है। और ये स्वेटर है क्योंकि ठंडी लगने वाली है। हम लोग अभी गांव जा रहे हैं, तो ये मेरे को सुना आ रही है बहुत सेखी मार रहे हो करके, इसको नहीं ले जा रहे हैं मम्मी पापा और मैं जा रहे हैं सीहोर, तो इसीलिए मेरे को सुना आ रही है। कहाँ जाएगी? काम, लंदन, समझ गए? कहाँ जाने वाले तू? कहाँ जाने वाले बता तो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। तो इसको अपनी इसकी मम्मी के यहाँ छोड़ के कल आऊँगा, उसके बाद जाऊँगा मैं कहाँ? सीहोर। तू तो नहीं जाएगी? हेलो गाइस वेलकम बैक। कल ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि पैकिंग कर रहा था। मैं अभी इसको छोड़ने इसके मायके आया हूँ। ये रोड पे बैठी है, पता नहीं क्यों रोड पे क्यों बैठी है। इसको घर में ले जा कर के छोड़ूंगा और मैं फिर वापस जाऊंगा, उसके बाद फिर अपने को जाना है सीहोर। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से स्टेशन के लिए। तो अभी हम सभी लोग रेलवे स्टेशन आ गए हैं, ट्रेन चढ़ेंगे यहाँ सिकोसा से दुर्ग के लिए और उसके बाद फिर दुर्ग में जाके और चेंज करना है अपने को ट्रेन। अमरकंटक एक्सप्रेस है तो मज़ा आने वाला है, सभी लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ से ट्रेन देखेंगे। सभी लोग सीहोर जाने के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, सभी लोग बैठे हैं और यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ट्रेन का टाइमिंग लगभग 6:30 बजे के आसपास बता रहा है, तो यहाँ से जाएंगे अमरकंटक एक्सप्रेस में। अभी मैं दुर्ग रेलवे स्टेशन पे हूँ, तो मेरे पीछे से मालगाड़ी निकल रही है और इसी प्लेटफॉर्म में 4 नंबर प्लेटफॉर्म में अमरकंटक एक्सप्रेस लगने वाला है। तो लगभग मैं 8 साल बाद ट्रेन में कहीं सफ़र करने वाला हूँ। इससे पहले मैं सीडी गया था, उसके बाद आज सफ़र करने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सारी फैमिली जाने वाली है तो बहुत मज़ा आने वाला है। अपन लोगों को लगभग लगने वाला है 10:30 के आसपास ट्रेन से उतर जाएंगे, अपना रेलवे स्टेशन आ जाएगा भोपाल। तो टाइमिंग लगने वाला है, रात भर सफ़र करने वाले हैं, उसके बाद ही उतर पाएंगे 10:30 के आसपास। अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, 5:30 हुआ है, 6:30 के आसपास आएगा ट्रेन। ये अपने भांजे लोग हैं, जहाँ भी जाते हैं बवाल करते हैं, देख लो। ये है कुंदन भांजा और ये नीतीश भांजा, जहाँ भी मतलब इनको आप देखोगे तो दूर चले जाना, वरना आप समझ जाओ क्या होने वाला है। ट्रेन लग चुका है दुर्ग से भोपाल जाने वाला अमरकंटक, तो अभी ये डिब्बा ढूंढ रहा हूँ। S7 है अपना डिब्बा, ये S5 है, तो आगे जा कर के मिलने वाला है। हो गया है टाइमिंग, चलो निकलने वाला है ट्रेन अभी, चलो बैठो। टाइमिंग हो गया 10:30, जितना लेट निकली उतना लेट पहुँची, लेट पहुँची। कहाँ है वहाँ?
ये अपना सीट है, ये अपना ट्रेन दुर्ग से छूट रहा है अमरकंटक के लिए। तो अमरकंटक रात का सफर है भैया, मजा आने वाला है। क्यों भांजे? फुल एंजॉय कर रहे हैं। रात के 3:09 उमर स्टेशन पे रुका हुआ ट्रेन, अभी 1 घंटा लेट चल रहा है ट्रेन। 10:30 पहुँचने वाले थे, सुबह 11 दिखा रहा है। सुबह के 6:10 हो चुके हैं, अपन लोग अभी जबलपुर में पहुँचे हैं। ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट है जबलपुर स्टेशन। काफ़ी ज़बरदस्त है, ₹10 वाले चाय। 6:21 हो गया है, जबलपुर से निकल रहे हैं अपन लोग। तो टाइम लगने वाला है, अभी भी सुबह लगभग 12 बज जाएगा ऐसा लगता है। दे बहुत ज़्यादा डिले है ट्रेन। निकल गए हैं अपन लोग अभी। तो ये जबलपुर रेलवे स्टेशन था। लोग ब्रेड ढूंढ रहे हैं, अब ब्रेड बैग में रखा है। करकबेल से निकल रहे हैं अभी, करकबेल नाम का गांव है एमपी का। नरसिंहपुर पहुंच गए हैं हम लोग। अभी सुबह के लगभग 7:42 हो गया है और अभी पहुंच रहे हैं नरसिंहपुर, जो कि 1 घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए था। हमारे ठीक सामने ओवरब्रिज है, उधर से भी ट्रेन जा रही है। और भाई साहब क्या व्यू है, ऐसा भी मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। सामने से ट्रेन जा रही है, अपन लोग इस वाले ब्रिज पे, सामने वाले ब्रिज पे ट्रेन जा रही है। भाई साहब क्या सीन है, एकदम पिक्चर वाली सीन याद है कि जब पिक्चर में चलता था तो सीन ऐसा ही देखने को मिलता था अपन को, हिंदी पिक्चर हो चाहे हॉलीवुड पिक्चर हो। काफ़ी ज़बरदस्त सीन था, मज़ा आ गया। भाचा ब्रश नहीं करे थे तुम, कैसे लगा? अरे मिक्चर लगाए पर निकाल रहे हैं यार। कुछ नहीं है मम्मा, चलते हैं आजकल। वहाँ जाग ब्रश कर लूँगा। हाँ वहाँ जाग कर ले वो ना, वहाँ जाग ब्रश घस ले वो, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन में चलत भाजी, मिक्सचर प्लस रोटी प्लस कढ़ी मिंजरा। अच्छा स्टेशन, यहाँ से 1/2 घंटा का रास्ता और है, फिर पहुँच जाएंगे। तो भोपाल रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ से सीहोर जाना है तो दूसरा ट्रेन पकड़ के। भांजे जल्दी चल, ट्रेन छोड़ जाएगा। कोई चैन पुलिंग कर दिया था तो उस चक्कर में हम लोग फंस गए थे। लफड़ा कर दी इसका, तो
तो अभी बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ट्रेन 4:30 बजे के आसपास आएगी, तो बड़े पापा और मैं बस स्टैंड जा रहे हैं, ट्रेन नहीं है अभी। बस में जाएंगे, फिर बस स्टैंड में उतरेंगे, फिर उधर जाएंगे। अभी बस में बैठे हैं, काफ़ी देर हो गया, बहुत धीरे चल रही है बस, दिमाग ख़राब है। अरे बस से उतर करके पैदल जा रहे हैं आश्रम। सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया है अभी तक, कि ट्रेन छूटा था इस कारण अभी पैदल जाना पड़ रहा है आश्रम कुबेरेश्वर धाम। ये कुबेरेश्वर धाम से और आ गए हैं, यही है। बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा किधर है, मंदिर बन रहा है अभी। ये बाबा का मंदिर बन रहा है अभी, यही वो राम लक्ष्मण और सीता माता है जिससे हम टीवी पे देखते हैं आस्था चैनल पे लाइव। और ये बाबा जी का मंदिर जो बन रहा है अभी। तो फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं कुबेरेश्वर धाम सीहोर में, पीछे देख सकते हो मंदिर है, सामने विष्णु जी की बहुत ही बड़ी यहाँ पे मूर्ति बनाई गए हैं जो कि आराम की मुद्रा में है। गैंग वाले किधर हैं उनको ढूंढ रहे हैं अपन लोग, उधर बैठे हैं शायद, हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बैठे हैं मम्मी जी पापा जी भांजे लोग, मजा आने वाला है। जय महाकाल, जय महाकाल। भक्तों शाम के 5:30 नहाने जा रहे हैं, जय महाकाल। अरे ये लोग पहले से आ गए भैया, अपन लोग बस में आए हैं संघर्ष करते हुए, हालत ख़राब है। ये कुबेरेश्वर धाम में हम नहाने के लिए आया हूँ, अभी 5:30 बजे बाथरूम में घुसा हूँ। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।